गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, दिस इज दिलजीत सिंह फ्रॉम एमबीसीएल जालंधर। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आयल्स राइटिंग टास्क 2 के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के, दैट इज कोहिजन, कोहरेंस एंड कोहिजन, दैट इज अ मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग। और इसे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव आयल्स राइटिंग टास्क 2 कोहिजन। तो आइए चलिए देखते हैं। फोर वर्ड्स कॉलोकेशन, द फर्स्ट मैथड जो कि सुजेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर वो है फोर मैथड कॉलोकेशन। अभी कॉलोकेशन क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलोकेशन क्या है और हम इससे कैसे यूज करके अपना कोहिजन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। कोहिजन इम्प्रूव करने का मतलब कि स्कोर अच्छे कैसे स्कोर रिसीव कर सकते हैं। कॉलोकेशन मेक आवर राइटिंग साउंड्स मोर नेचुरल एंड मोर कोहेसिव। तो फिलहाल इतना है कि लाइक आपकी जो राइटिंग है वो नेचुरल और मोर साउंड होगी कोहिजन में। कॉलोकेशंस रिड्यूस एरर बाय यूजिंग ग्रामेटिकली परफेक्ट कंस्ट्रक्शंस एंड देयरफॉर इंप्रूव ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। कॉलोकेशंस ग्रामेटिकली ग्रामर की आपकी जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करती है और ये एटलीस्ट बताती है कि कैसे आप वर्ड्स को कॉलोकेट करके अच्छे स्कोर अचीव कर सकते हो। मे बी ड्यू टू द देर आर ए नंबर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी। ये सभी के सभी जो है वो फोर वर्ड्स जो है वो कॉलोकेशन है जिनको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं स्लाइड में बताने जा रहा हूँ कि इनका यूज कैसे और कहाँ कहाँ करना है। It can be observed that this may be due to the fact that the result of this study an important role in the in case of the। तो यहाँ पर it can be observed that this is a passive form। ये observe किया जा सकता है। This may be due to the मतलब कि ये शायद इसलिए हो सकता है। This may be due to the fact that ये इस फैक्ट की वजह से हो सकता है। द रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी, इस स्टडी का रिजल्ट एन इम्पॉर्टेंट रोल कोई भी मतलब कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना इन द केस ऑफ द। तो यूज कॉलोकेशंस इन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम कॉलोकेशंस कैसे यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी ड्यू टू द फैक्ट दैट। अभी यहाँ पर हमने जो कॉलोकेशन यूज की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ड्यू टू द फैक्ट जब हमने ये वर्ड्स चार या पांच वर्ड्स लगाए तो ये कॉलोकेट करते हैं। ड्यू टू का फैक्ट मीन्स इस फैक्ट के कारण, फैक्ट दैट। Public education is one of the most important challenge facing the Western world today. This may be due to the fact that. Again, this may be due to the fact that. तो यहाँ पर जो है वो use हुआ है again वही this may be due to the fact that. या फिर आप इसे one of the most important challenges. अच्छा अभी मैं आपको ये चीज यहाँ पर clear कर दूँ। जब आपके पास वन ऑफ द हो तो जो नाउन है वो प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। प्लूरल मींस उसमें एसएएस लगा होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। हेल्थ इश्यूज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर फेसिंग द वेस्ट ड्यू टू द फैक्ट। एक तो हो गया ड्यू टू द फैक्ट। ड्यू टू द फैक्ट हमने तीन एग्जाम्पल दिए हैं, तीन एग्जाम्पल में ही दिया हुआ ड्यू टू द फैक्ट। Health issues are some of the most important matters. Again, जैसे कि मैंने last time में बताया कि जब आपके पास of the हो तो आपको plural form use करनी है। Environmental issues are some of the most common challenges facing developing countries in Africa nowadays. It can be observed that, again collocation, it can be observed that, यानी कि इसको observe किया जा सकता है। Examples are necessary in particularly practically all of the task two questions. Therefore, mastering how to present an example can guarantee your points. Here are some structures to follow.
अब एग्जाम्पल्स कैसे देनी है, हम एग्जाम्पल को कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको. फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी नोटेड दैट रीसेंट स्टडीज बाय द IMF शो दैट लंडन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स इन द वर्ल्ड. दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट. अभी एग्जाम्पल जब आपने मेंशन करनी है, लिखनी है, तो आप फॉर एग्जाम्पल जो है वो स्टार्टिंग में मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इंडिकेट करता है कि आप एग्जाम्पल देने जा रहे हो. इट शुड नोटेड दैट रीसेंट स्टडी बाय IMF शोज दैट लंडन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर इन द वर्ल्ड. अच्छा, इसमें एक चीज और बता दो, एग्जाम्पल का मतलब ये है कि आप एक स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक चीज को मेंशन करने जा रहे हो. यहाँ पर जैसे कि आपने कंपनी का नाम लिया IMF, फिर नेक्स्ट आपने लंदन का यूज कर लिया, यानी कि एक स्पेसिफिक चीज के बारे में मेंशन करना, दैट इज कंसिडर एज एग्जाम्पल. दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट, अगेन कॉलोकेशन यही फिर से यूज हो गई. वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो. एक तो उसने लगाया लंदन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर, जहां पर उसने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दिया. फिर से मैं रिपीट करता हूं, तो यहां पर जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म आएगा. दूसरी कॉलोकेशन यहां पर उसने यूज की है, दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट. फॉर इंस्टांस अगेन इंडिकेट्स, एग्जाम्पल दे रहे हो आप यहां पर, देयर आर ए नंबर ऑफ स्टडीज बाय वेरियस गवर्नमेंटल बॉडीज दैट शोज दैट, अगेन दैट शोज दैट कॉलोकेशन, नॉर्वियन ऑयल प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमी. जैसे कि मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था, प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो है वो आपका चार वर्ड्स का कॉलोकेशन है. चार वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को कॉलोकेशन बोला जाता है इन द ग्लोबल इकोनॉमी. दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट, अगेन जब भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो उसमें आप फैक्ट बता रहे हो, कोई डेटा बता रहे हो, तो आपको ये लाइन यूज करनी चाहिए, दिस मे बी द फैक्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट. रेपिटेशन, यू कैन इंप्रूव योर कोहिजन बाय रिपीटिंग की नाउन्स इन योर पैराग्राफ. अच्छा, अगर आप प्रोनाउन ही यूज करते जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो है स्कोर कम मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट ले रहे हो तो हर बार आप गवर्नमेंट लिखते हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, तो वो जब रेपिटेशन होगी ना, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगी, दिक्कत क्रिएट करेगी, कि वो आपके कोहिजन में स्कोर कम करेगी और कहीं ना कहीं एग्जामिनर को इंडिकेट करेगी कि स्टूडेंट को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो अलग से नाउन का यूज कर सके या फिर सिनोनिम यूज कर सके. टू गेट ए हायर स्कोर, सब्स्टिट्यूट देम विद सिनोनिम. फॉर एग्जाम्पल, इफ माय एसे इज अबाउट एयर पोल्यूशन, अगर एयर पोल्यूशन के बारे में एसे है, तो मैं यूज कर सकता हूँ दीज फ्यूम्स, द स्मोक, यानी कि ये भी पोल्यूशन का पार्ट है, एयर कंटामिनेशन, द सीरियस इशू, यानी कि पोल्यूशन, इट नीड्स टू बी डील्ड विद सिवियरली. तो यहाँ पर लाइक सिनोनिम, यहाँ पर इट मीन्स पल्यूशन, यहाँ पर ये प्रोनाउन यूज हुआ है, बाकी ये जो है ये सिनोनिम है और ये यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है. अगर आप ऐसे अपने राइटिंग टास्क 2 में कुछ ऐसी चीजें लिखते हो तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज एग्जामिनर विल बी एबल टू जज कि हाँ भी स्टूडेंट को काफी अच्छी नॉलेज है इस चीज के बारे में. ट्रांजिशन सिग्नल्स, अभी ये क्या होते हैं? ट्रांजिशन सिग्नल्स गिव ए पैराग्राफ कोहरेंस बिकॉज दे गाइड द रीडर फ्रॉम वन आइडिया. अभी देखो, वन आइडिया टू द नेक्स्ट, यानी कि एक आइडिया से नेक्स्ट आइडिया में शिफ्ट होने के लिए जिन वर्ड्स की जरूरत होती है उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं. फॉर अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स यू कैन यूज फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट एंड फाइनली. कुछ ऐसे ट्रांजिशन सिग्नल आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, फाइनली एंड नेक्स्ट. टू इंट्रोड्यूस ए कंक्लूजन यू कैन यूज क्लियरली इन समरी और इन कंक्लूजन, ऐसे वर्ड भी यूज किए जा सकते हैं. नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस ए रिजल्ट यूज अकॉर्डिंगली, एज ए रिजल्ट ऑफ या फिर एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ, आप ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हो ट्रांजिशन सिग्नल जिसको हम बोल सकते हैं. कंसिस्टेंट प्रोनाउंस,
तो आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रोनाउन यूज करने की जरूरत है एंड अवॉइड चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। जब आप सिंगुलर दे रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, तो आपको प्लूरल फॉर्म इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हाउ स्टूडेंट्स हैव चेंज्ड ओवर द लास्ट डिकेड। यहाँ पर स्टूडेंट आप लगा रहे हो, मेंशन कर रहे हो प्लूरल फॉर्म। इन द 60s अ स्टूडेंट, नॉट अ स्टूडेंट, मेंशन करो स्टूडेंट्स। A student was often seen as struggling in economic hardship. इसे ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। It can be seen how students have changed over the last decade. In the 60s, they were often seen as struggling in economic hardship. यहाँ पर जो है students के लिए हम जो है वो हम they लगाएंगे, they का use करेंगे। They means something plural in form. However, you may need to bend this rule a little just to show that examiner know your wide vocabulary of synonym. तो ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लूरल पहले तो प्लूरल चीज लगा देते हैं, फिर वो सिंगुलर नाउन लगा देते हैं। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। सिंगल आइडिया आपके ऐसे में अगर सिंगल आइडिया होगा, एक आइडिया होगा, तो दैट साउंड शुड बी परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, Finally, try to keep one central idea per paragraph. This makes it easier to follow, especially in a short essay such as IELTS Task 2. IELTS Task 2 कितने वर्ड्स का होता है? मैक्सिमम 300 वर्ड्स लगा लोगे आप। 250 से लेके आपको 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है, तो सिंगल आइडिया भी काम करेगा। नंबर ऑफ आइडियाज या ग्रुप ऑफ आइडियाज की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रुप ऑफ आइडियाज, नंबर ऑफ आइडियाज अप्लाई करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली वहां पर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप सिर्फ क्रोनोलॉजी में फंस जाओगे, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वन, दिस वीडियो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर watching us. Thank you.